होते हैं जी, बहुत सारे लोग होते हैं कहने को जी, दुनिया जाए। अरे यार ये तो हाथी है, हाथी चले बाजार जी, तो बहुत सारे लोग घूमते हैं जी। बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बहुत दिव्य दरबार है जी। आज भी तेज प्रताप यादव ने तेज प्रताप। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर सरकार के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पटना में हैं। 13 मई से 17 मई तक वो पटना में रहेंगे और ऐसे में वो तरेत पालीमठ जो कि नौबतपुर में है वहां पर दरबार लगाते हैं। उनका दरबार सस्ता है और भक्तों के बीच वो बैठकर हनुमंत कथा भी सुनाते हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं जहां पर लोगों की अर्जी सुनी जाती है। देर रात वो पनाश होटल में भी दिव्य दरबार लगाते हैं और ये दिव्य दरबार VIP और VVIP लोगों के लिए होता है। ऐसे में यहाँ पर भाजपा के लोग, भाजपा के नेता मंत्री भी पहुँचते हैं और बीती रात अश्विनी चौबे जो कि भाजपा के मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बक्सर से सांसद हैं, वो भी पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने जो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आने पर विरोध कर रहे हैं उसको लेकर एक मुहावरा कहा है और मुहावरे के जरिए विपक्ष पर हमलावर हुए हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर और विरोधियों को क्या कुछ कह रहे हैं। मुलाकात अभी चलो हुई है, क्या कुछ कहिएगा? 12:01 बज रही है बाबा, बाबा कुछ कहिएगा क्या? बाबा, बाबा से मुलाकात हुई? बाबा से मुलाकात हुई क्या? दिव्य दरबार लग रहा है, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बहुत दिव्य दरबार है जी। आज भी तेज प्रताप यादव ने फिर से कहा है बाबा को लेकर, कुछ बयान दिया, क्या कहिएगा बाबा इस पर? आप बहुत लोग होते हैं जी, बहुत सारे लोग होते हैं कहने को जी, दुनिया जाए। अरे यार ये तो हाथी है, हाथी चले बाजार जी, तो बहुत सारे लोग घूमते हैं जी। तेज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा, ये सनातन राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र। नीतीश कुमार ने कहा है, तो आपने सुना अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर ये कहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कितना भी विरोध कर ले लेकिन इससे बिहार के जो भक्त हैं बाबा बागेश्वर के उन पर कोई असर नहीं होने वाला है। बता दें कि लगातार बाबा बागेश्वर का विरोध किया जा रहा है, ऐसे में बिहार की सियासत दो भागों में बट गई है। एक पक्ष है जो उनका समर्थन कर रहा है, उनके आने का स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरा एक ऐसा भी पक्ष है जो उनका विरोध कर रहा है और उनको ढोंगी पाखंडी बता रहा है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।